गारंटी के साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है हमारे पास थोड़ी देर के लिए रुको, वो ब्लीडिंग उसी दिन बंद करके देंगे। जैसे महिलाओं में बच्चादानी निकालनी पड़ती है और ब्लीडिंग रुकती नहीं उनकी, बिल्कुल कितना भी काला खून आ रहा हो, कितना भी कितनी भी ब्लीडिंग हो, बहुत जल्दी ब्लीडिंग रुक जाती है, उसको डॉक्टर से रिमूव करवाने की जरूरत नहीं इतनी। अच्छा, लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाणु भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणुर भाइयों, फिलहाल खड़े हम हिसार की अमरदीप कॉलोनी में और बिल्कुल मेरे साथ में है लीडिंग एंजल स्कूल, पब्लिक स्कूल, और उसके बिल्कुल पीछे पड़े हैं भाई, ये देखिए हमारा नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सालय। नेचुरोथेरेपी, नेचुरल तरीके से यहाँ पर हर बीमारी का इलाज किया जाता है। यहाँ पर फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, योग साधना, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जैसे प्रकृति से किया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा इन बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोराइसिस और बवासीर, इनका तो गजब का इनके पास नेचुरल तरीका है और भाई बहुत जल्द इनका वो है। आइए मैं ऊपर लिए चलता हूँ, ऊपर बैठते हैं ये रणदीप नैन जी और जयवीर नैन जी जो इनके पिताजी हैं, बोरे पुराने वैद। तो आइए, तो देखिए सामने ही बैठे हैं जयवीर नैन जी जो बहुत पुराने वैद्य हैं और आयुर्वेद के भाई धोड़े आगे आयुर्वेद का काम करते करते। नमस्कार जी नैन साहब जी, नमस्कार जी। तो देखिए भाई नैन साहब हैं जो हमारे, हम बात कराएंगे इनते, फिलहाल बैठे हैं हमारे पास जयवीर नैन जी और भाई दणौदा निवासी हैं और हिसार के अंदर काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, दणौदा गाँव में काम करते थे और अभी फिलहाल यहाँ पर हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने वैद्यों के पास हैं वो हर किसी के पास नहीं होती। ये तो पुराने तरीकों से इलाज करते, लेकिन इनका बेटा है जो रणदीप नैन है वो नेचुरोथेरेपी का बहुत महारथी है, महारत हासिल की है, अनेक प्राकृतिक चिकित्सा में महारत हासिल है उन्हें, जैसे लकवा, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द, कोई भी किसी प्रकार की नसों की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन है, या फिर कोई भी हार्ट की ब्लॉकेज है और कोई नस ब्लॉक के कारण कोई पैर में रुकावट है या साइटिका है, इस तरह के जो है नेचुरल तरीके से, कोई दवाई नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, नेचुरल तरीके से इलाज करते। काफ़ी मशीनें इनके पास हैं ऐसी आधुनिक जिससे ये इलाज करते हैं। और भाई पता मैं आपको बता देता हूँ नैन साहब से बात करके, फिर पता पूरा देखना, वीडियो को पूरी देखना। नमस्कार नैन साहब। नमस्ते जी, आपको भी नमस्ते लंबा साहब जी, और आपका जो प्रोग्राम देख रहे हैं सारे के सारे दर्शकों को भी नमस्ते जी, धन्यवाद। तो नैन साहब, किस किन चीज़ों का आप यहाँ पर नेचुरोपैथी से इलाज करते हैं? आप वाली पुरानी जो भी पैथी से ना, जो आपका तरीका से आयुर्वेदिक औषधियों से जो इलाज करते हो वो भी बताओ। सर वैसे तो नेचुरोपैथी के बारे में तो आपने बता ही दिया, हाँ जी, तकरीबन अब मेरे लिए आपने छोड़ा ही कुछ नहीं क्योंकि सब कुछ बिलो दिया। तो बाकी बात रही पुरानी पद्धति की, तो जैसे कि आज के ज़माने में लोगों ने खाने पीने के हिसाब से सब कुछ खराब कर दिया और चटापटी हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। तो नेचुरोपैथी में तो यही आता कि नेचर से जुड़े रहो। आप नेचर से अगर बाहर निकलोगे, जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, पुराने समय में मेरी दादी जो थी अष्टमी वाले दिन हमारे घर में खीर बनती थी और वो नमक छिपा दिया कर दी। हम कह करते दादी नमक ना क्यों छिपावा है, तो न्यू कह कर दी भाई दूध की चीज़ों के साथ नमक का मेल नहीं, अगर दूध की चीज़ के साथ अगर आपने नमक ले लिया तो जहर बन गया शरीर में। आजकल पनीर बनाओ है, पनीर की सब्जी, पनीर के अंदर नमक डल गया, उसके अंदर पहले ही नींबू से टाटरी से वो दूध को फाड़ा जावे है, तो वहाँ पॉइजन तो वहीं बन गया, वो खा खा के आजकल आदमियों ने जो अपना लीवर है सारा फैटी बना लिया। बिल्कुल, अब लीवर कहाँ तक उसको रोक पाओगा, आखिर लीवर को तो छोड़ना पड़ेगा। के लिए आपके पास सटीक औषधि? बिल्कुल, मेरे पास तो सर आयुर्वेद में बवासीर के लिए आपके पास गजब की बता रहे हैं। बिल्कुल, बवासीर के लिए बहुत बढ़िया है, गारंटी के साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है हमारे पास थोड़ी देर के लिए रुको, वो ब्लीडिंग उसी दिन बंद करके देंगे। ब्लीडिंग घंटा यहीं रुको, बिल्कुल बिल्कुल, तो दो तीन घंटे से ही, दो घंटे लगे, तीन घंटे, ब्लीडिंग बिल्कुल बंद, आहिस्ता आहिस्ता जो मस्से हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ने शुरू हो जाएंगे, उसके लिए थोड़ा लंबे टाइम के लिए दवाई खानी पड़ेगी। और बात रही ब्लीडिंग की, ब्लीडिंग तो चाहे बच्चादानी से, रिछोड़ी से भी हो, अच्छा बच्चादानी निकल, बिल्कुल वो निकलवाने की जरूरत ही नहीं है, रिछोड़ी को
दवाइयों से डिजोल्व हो जाएगी वो। अच्छा बिल्कुल, जैसे महिलाओं में बच्चादानी निकालनी पड़ती है और ब्लीडिंग रुकती नहीं उनकी, बिल्कुल कितना भी काला खून आ रहा हो, कितना हाँ। भी कितनी भी ब्लीडिंग हो, बहुत जल्दी ब्लीडिंग रुक जाती है, उसको डॉक्टर से रिमूव करवाने की और जरूरत नहीं इतनी। अच्छा जी, तो भाई देखिए, एक तो बवासीर के अंदर यदि के ब्लीडिंग है आपके, खून वाली बवासीर बवासीर है आदि वाली, और जो ये है ये जो दूसरी बवासीर है बंगदर या फिक्सर का भी है क्या? बिल्कुल फिक्सर भंग, ये सारे के सारे इसी बेस पे चलते हैं सर। बस इतना है कि अगर हैमरेज है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, खून पड़ रहा है, तो वो अलग से दवाई देनी पड़ती है, नहीं तो बवासीर की और फिक्सर की बंगदर की एक ही तकरीबन एक सेम एक ही ट्रीटमेंट, थोड़ा बहुत चेंज, हाँ थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ता है। एक सोराइसिस के बारे में बता रहे हैं, सोराइसिस खुजली भी हो जाए बोल रहे हैं जिसने, लेकिन कोड की तरह हो जाती है सोरायसिस का, दूसरा नाम कोड है मेरे ख्याल से। हाँ कोड, ये कोड की तरह से इसका लाइलाज बीमारी वैसे सर ये, क्योंकि हमारे शरीर की एंटीबॉडी अपने ही शरीर को खाने लग जाती है जी, तो इसका इलाज भी बिल्कुल अपने पास गारंटीड इलाज है, अगर संयम से परहेज से आदमी अपना। कितने एक दिन में लगभग हो जाए रिलीफ? तो विद इन वीक आ जाएगा, एक हफ्ते में। लेकिन बिल्कुल जड़ से निकालने के लिए, क्योंकि इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एंटीबॉडी को ज्यादा निकाल है और उन सेल पे जाके लड़े है वो ज्यादा वो पर्ची। सोराइसिस का मतलब है कि जब पपड़ी सी उठने लग जाए, लाल लाल चकते हो गए, मतलब जी खोरा सा उतरना लग जाए, सफेद भी उतर जाए, कई बार ब्राउन भी आ जाए, वो सारा सोराइसिस के अलग अलग रूप है। बिल्कुल 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 जी। तो भाई देखिए, ये चीजें तो है, और किस किस चीज का इस पद्धति के द्वारा या फिर देसी आपकी कोई ऐसी जड़ी बूटी जो भाई नुकर तुरंत चुटके हमसे? नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं सर, बहुत दवाइयां हैं आयुर्वेद में, फिर वे बाकी अगर नाड़ी परीक्षण करवाना है उसके हिसाब से भी देख के शरीर में, नाड़ी देख के देती हूं। बिल्कुल हाँ, नाड़ी का भी अगर जरूरत पड़े तो नाड़ी भी देखते हैं जी। तो भाई देखिए, यहाँ पर ऐसी ऐसी मशीनें हैं आपको चेक करने के लिए, आपका इलाज करने के लिए। नेचुरल तरीके से आपको मिट्टी का लेप करना होता है, कोई हल्दी का लेप, सिरोधारा है, जल धारा है, या जल प्राकृतिक जो भी चीजें होती हैं मिट्टी में, मिट्टी के लेप से है, बहुत सी चीजें हैं, अनिमा है या फिर नेती धोती जिसको बोलते हैं उससे है, बहुत सी चीज है जो प्रकृति के साथ जुड़ी होने के कारण आपको दवाइयां बहुत ही कम खानी पड़ेंगी, बहुत ही कम ना मात्र की, वो भी देसी औषधि, नहीं तो नहीं खानी पड़ेंगी आपको। नेचुरल तरीके से जैसे थे वैसे करने का मादा जो है रखते हैं। और भाई अगली वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा रणदीप नैन से, जो इस चीज़ में मारथी हासिल है, और सभी मशीनें दिखाऊंगा आपको, सभी यानी कि जितने भी मरीज होंगे सभी से आपकी बातें करवाऊंगा, कौन कौन कितने ठीक होके गए हैं। यहाँ पर आप आए, रास्ता मैं बता देता हूँ, अमरदीप कॉलोनी है कैमरी रोड पर, हिसार से कैमरी रोड पर अमरदीप कॉलोनी में, कॉलोनी का जो पार्क है हनुमान की जो मूर्ति उसके बिल्कुल सामने गली आती है एक, और उसी गली में सामने लीडिंग एंजल पब्लिक स्कूल है, उसके बिल्कुल पास में ही नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सालय के नाम से आप आ सकते हैं। क्या हर रोज आ सकते हैं? बिल्कुल जी, हर रोज हम। फोन नंबर बताएं आप अपना। मेरा नंबर है 97295-76505। यह एक और खुशी की बात है कि इनकी रिहायश भी यही है, अपने घर में ही करते हैं ये, तो यहाँ पर आप रात को भी आएंगे ना एमरजेंसी में, तो आपको रात को भी देखा जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। कोई टाइम नहीं भाई 9 बजे का 8 बजे, आप यदि जल्दबाजी में 6 बजे भी फ़ोन करके आएँ, लेकिन भाई मैं 5 बजे आ रहा हूँ या 6 बजे आ रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, तो आपको अटेंड किया जाएगा बाकायदा। औरों की तरह ये नहीं कि जी 8 बजे चले गए हो तो अब कोनी, 4 बजे चले गए अब कोनी, आओ खाना खाने चले गए, खाना खाते भी छोड़ के पहले मरीज को देखते हैं, पुराने वैद्य हैं, इनको पता है लोगों के दुख दर्द का। और यदि आपको बवासीर सोराइसिस और महिलाओं में जो ब्लीडिंग जो केसेस हैं और भी अन्य किसी प्रकार की बीमारी है, वो आप ऑनलाइन रिपोर्ट जरूर दिखाएं। अच्छा रिपोर्ट दिखा हाँ, अगर व्हाट्सएप पे हाँ, महिला में है मेरी सोड़ी है बच्चादानी की, वो डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, तो वो भाई एक बार रुक जाएं, जिसे संपर्क करें, फ़ोन करें और अपनी जो रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट है सोराइसी से, उसका भी फोटो भेजें, यदि ऑनलाइन मंगवाते हैं तो अपनी रिपोर्ट जरूर भेजें व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप के नंबर नीचे चल रहे हैं, इन पे आप संपर्क करें, यदि फ़ोन नहीं उठाया जा रहा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपके पास तुरंत बाद में कर लिया जाएगा फ़ोन और आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। ऑनलाइन घर बैठे भी मंगवा सकते हैं इन बीमारियों का इलाज करने के लिए, मामूली सी पैसे में, महंगा नहीं है, मात्र जो लागत मूल्य है
उसके ऊपर आपको दिए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। नमस्कार, जय हिंद।